आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। आज रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। पूरे देश में वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इंदौर में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा जावरा कंपाउंड स्थित भाजपा कार्यालय पर वाल्मीकि जयंती के अवसर पर वाल्मीकि समाज की प्रतिभाओं के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा इंदौर के नगर उपाध्यक्ष राजा चौहान ने बताया कि शिक्षा, खेल, गायन, रंगोली निर्माण से जुड़ी प्रतिभाओं के सम्मान के साथ अतिथियों ने प्रेरक उद्बोधन भी दिए। इस दौरान सम्मानित सभी प्रतिभाओं को महर्षि वाल्मीकि के चित्र भेंट किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा महर्षि वाल्मीकि के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष कार्यक्रम आयोजक राजा चौहान ने बताया कि इस अवसर पर मुख्य रूप से विधानसभा 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय, सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष जटा शंकर करोसिया, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप करोसिया, शैलेश गिरजे, भाजपा नेता बाल किशन करोसिया, महेश तोमर, करण नरवले, अमर पेंढारकर, अशोक शिरोडकर मुख्य रूप से उपस्थित थे। इसके जैसा रहता हूँ, उसके जैसा करता हूँ। वो ये नहीं देखते हैं कि उसकी जो शक्ति थी वो थी मेरी क्या शक्तियाँ, और इसी को अपने आप को पहचानना। अपने यहाँ पे दो शब्द कहे गए, एक तो राजा और एक महाराजा। अपना ही देश है जिसमें महाराजा शब्द का इस्तेमाल हुआ। जैसे अपन बोलते हैं ना वाल्मीकि महाराज, है ना, उत्तम स्वामी जी महाराज। तो जो दूसरों को समझ लेता है, दूसरों को पहचान लेता है, दूसरों पे काबू कर लेता है, उसको कहते हैं राजा। और जो खुद को पहचान लेता है, खुद पे काबू कर लेता है, उसको क्या कहते हैं, वो महाराजा कहलाता है। और महाराजा मतलब वो जो अपनी शक्तियों को पहचान। अच्छा, अध्यात्म का आपको पता है क्या मतलब होता है? अध्यात्म का भी मतलब होता है सिर्फ बहुत सरल है, आत्म का अध्ययन। हमारी हिंदी भाषा ऐसी है कि वो कोई भी शब्द को समझना है तो उसका संधि करो। आत्म का अध्ययन मतलब अध्यात्म मतलब खुद को पहचानना। खुद को पहचानना मतलब क्या, कि आपके अंदर की शक्ति क्या है ये पहचान। और आपके अंदर की शक्ति पहचानने में ही गुरु आपकी मदद करता है। अगर देश को, दुनिया को उनका नाम है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि स्वामी की जयंती भारत में सबसे पहले दिल्ली में मनाई जाती थी। दिल्ली से जयंती का कार्यक्रम देखकर हमारे इंदौर के नाथूलाल लोड जब आए और उन्होंने यहाँ जयंती मनाना चालू करी 1942 से, हम भी 1970 में उनके साथ जुड़े। जब उनके साथ जुड़े तो परिणाम यह हुआ कि शहर के लोग बोलने लगे ये वाल्मीकि जी कौन थे और नाथूलाल लोड क्यों मनाते हैं और ये जनता सरकार कौन से क्यों मनाने लगे। सामाजिक बहिष्कार कर दिया, 20 साल तक बहिष्कृत रहे। पर आज बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि शहर में भी वाल्मीकि जयंती अनेकों जगह मनाई जाती है। पूरे मध्य प्रदेश से कोने कोने में पूरे देश में वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। ये वाल्मीकि जयंती मनाकर हमारे सामाजिक एकजुटता का हम परिचय देते हैं। भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में व्यवस्था की कि ऐसी जातियां जिनके साथ छुआछूत होती है, जिनका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास नहीं हुआ है, उन समाजों को अनुसूचित जाति का दर्जा देके सामान्य भाव से जीने का अगर काम किसी ने इस देश के अंदर समाज के लिए किया है तो वो महापुरुष
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। आज उन्हीं के माध्यम से, उनके संविधान के माध्यम से आज अनुसूचित जाति वर्ग पूरे भारतवर्ष में सम्मान का जीवन जी रहा है। जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर महर्षि वाल्मीकि जयंती बनाने का जो कार्यक्रम रखा है, ये बहुत ही मतलब सराहनीय कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलितों के साथ रहती है और हमें पार्टी से निर्देश मिला है कि 11 लोगों का या 21 लोगों का जो भी हमारे साथ अभी हो जाते हैं लिस्ट में नाम, उन सबका हम सम्मान करेंगे। जो स्पोर्ट्स में अव्वल नंबर पर आए हैं या पढ़ाई में अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, उन सभी का हम लोग यहाँ पर एक सम्मान पत्र देकर, वाल्मीकि जी की तस्वीर देकर उनका सम्मान करेंगे। युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अनुसूचित जाति की ओर से? युवाओं को यार मैं ये सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी नशे की लत में लगे हुए होंगे वो युवा लोग मतलब नशा नहीं करें, बहुत ही ख़राब होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है युवाओं के लिए। और शिक्षित बनने का मैं सबसे लोगों को आग्रह करूँगा, युवाओं को कि शिक्षित बने, संघर्ष, जैसे कि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। बस उसी उद्देश्य को लेके युवाओं को बस यही संदेश देना चाहूँगा।